लाल गंगराम। सर आप समाज सेवी हैं, किस पार्टी को बिलोंग करते हैं सर आप? बीजेपी। क्या लग रहा है सर कि बीजेपी इस बार सत्ता में आएगी? फुल प्लस। फुल प्लस पूरी विस्तार से बताइए सर। जो फुल प्लस से आएगी, फुल प्लस मोहम्मद से सर, जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे को तो अपने सफल रहे नहीं? नहीं तो कौन सा वादा सफल नहीं हुआ बताएं सर? जैसे कि बताया था कि 14 लाख 15 लाख जो खाते में आए, सब बकवास है। कहीं अगर 15 लाख होता तो उनके घोषणा पत्र में होता 15 लाख। तो आपको लगता है कि फर्जी है? हाँ जी सर फर्जी। 15 लाख का कोई बताए कहाँ है 15 लाख? उनने कब कहा था? उनने ये कहा था अगर काला धन पूरा आ जाए देश में तो प्रति व्यक्ति 15 लाख रुपए पड़ जाएगा। उनने ये कहा था 15 लाख देने को नहीं कहा था। जो देने को रोजगार की बात करें तो रोजगार की कहाँ आया सर? कोई सी सरकार बन जाए इतना बेरोजगारी तो होगी जितनी है, कोई विशेष नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो गई। सर क्या लग रहा है अगर आने वाले समय में मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये जो गरीब है और जो स्टूडेंट जो बेरोजगार घूम रहा है जी उसकी समस्याओं का समाधान होगा? देखो साहब सरकार कोई सी बन जाए ठीक, और कहा जाए कि 60% रोजगार मिल जाएगा मुश्किल है। और एक और है कि हमारे समाज में हम लोग कब मानते हैं जॉब मिला कि सरकारी आदमी सरकारी जॉब मिले उसी को जॉब मानते हैं, जब पहले से सड़कें ज़्यादा बन रही हैं, पहले से सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, तो मजदूर लेबर तो ज़्यादा लगती होगी, तो हम कैसे नहीं मानेंगे कि सर रोज़गार मिल रहा है हमें? सर 30% तो आप यकीन दिलाइए बीजेपी से कि हाँ कि 30% लाभ मिलेगा जनता को? 70% आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ वो मुझे बताएं उसका नाम। 70% आप शेयर करते हैं जी। अच्छा सर बरुण गांधी आपके क्षेत्र से इलेक्शन लड़ रहे हैं? हम मोदी की बात करते हैं। अच्छा आप मोदी को? हाँ हमें मोदी दिख रहे हैं। आप वरुण से कोई मतलब नहीं? ना कोई मतलब नहीं। तो आपका सीधा वोट मोदी नरेंद्र मोदी जी? हमारी एक सीट भी, हमारे सोच है कि अगर एक सीट भी हमारी हर गई, वरुण गांधी अगर हटते हैं तो समर्थन कौन देगा मोदी को? कोई नहीं देगा, तो इसलिए हम सीट ही क्यों हारने देंगे? हम तो वरुण को ही वोट देंगे। सर गठबंधन के बारे में आपका क्या कहना? गठबंधन जो है इतनी सीटों पर लड़ाई लड़ रहा है जी, आपको लगता है कि गठबंधन आपको मात दे पाएगा? ना कोई मात नहीं दे पाएगा गठबंधन में। आपको लग रहा है कि सीएम, जैसे कि राहुल गांधी जी ने 72,000 रुपए का घोषणा पत्र में अपने जाहिर की बनाया है अपना कि 72,000 रुपए मिलेगा, आपको लगता है कि ये चुनावी स्टंट है या फिर खाली? हाँ चुनावी स्टंट है। 72,000 रुपए प्रति व्यक्ति कहाँ से दे देंगे? पहले अंदाजा तो लगाइए आप सर। जब मोदी इतना गरीब आदमी है, हिंदुस्तान में इतनी गरीबी है और वो कह रहे हैं कि हम हर गरीब को 72,000 रुपए साल देंगे, कहाँ से दे देंगे? देश ही खत्म हो जाएगा फिर तो। अरे सर जब मोदी जी 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार मतलब रोजगार दे सकते हैं तो वरुण गांधी 72,000 क्यों नहीं? तो आप लोग मान ही कहा रहे हैं कि मोदी जी रोजगार दे रहे हैं ये बताएं आप मान कब रहे हैं? तो सर आप अपने यहाँ से प्रधान भी हैं जी।